जम्मू से श्रीनगर सड़क मार्ग की दूरी 320 किलोमीटर है। ये जम्मू से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबा धनसार सुंदर और ठंडा पिकनिक स्थल है। यहाँ की पहाड़ियाँ हरी भरी और पेड़ों से लदी हैं। यहाँ पर बहुत सारे छोटे झरने बहते हैं। यहाँ पर पहाड़ी से निकल बाणगंगा कुदरत द्वारा बने शिवलिंग पर गिरती हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला शिवरात्रि के दिनों में लगता है। कुड, ये जम्मू से 103 किलोमीटर की दूरी पर जम्मू से श्रीनगर हाईवे पर समुद्र तल से 1378 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर यात्रियों के लिए हर प्रकार की सुविधा मिलती है। यहाँ जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा बनाया गया एक टूरिस्ट बंगला भी है। यात्री यहाँ रात आराम से गुजार सकते हैं। टूरिस्ट बंगले की देखभाल जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करती है। पटनी टॉप, ये जम्मू से 110 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 2024 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये स्थान हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों से घिरा है। पिकनिक मनाने के लिए ये एक अच्छा स्थान है। चिनाब दरिया के किनारे बसा ये शहर सर्दियों में बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। यहाँ पर स्केटिंग स्पॉट्स, बहुत सारे होटल और टूरिस्ट बंगले भी हैं, जिनकी देखभाल जेएनके टीडीसी करती है। यात्रियों को रहने के लिए आसानी से होटल में कमरे मिल जाते हैं। गौरी कुंड, शुद्ध महादेव के नजदीक एक तालाब है जिसे गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। कहते हैं माता पार्वती शुद्ध महादेव की पूजा अर्चना करने से पहले इस कुंड में स्नान करती थीं, जिससे इस तालाब का नाम गौरी कुंड पड़ा। बटोत, ये जम्मू से 125 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 1560 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पत्नी टॉप से आती पहाड़ियों की कतार इस जगह की शोभा बढ़ाती हुई आगे निकलती है। यहाँ पर भी यात्रियों के लिए हर प्रकार की सुविधा मिलती है। टूरिस्ट बंगले भी हैं, जिनकी देखभाल जेएनके टीडीसी करती है। सनासर, ये जम्मू से 129 किलोमीटर और पत्नी टॉप से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। सनासर की बनावट कपनुमा है। ये घने ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा है। ये छुट्टियां मनाने के लिए अच्छा स्थान है। रोक पाई मुझे घटाए,
काफी समय पहले श्रीनगर से अमरनाथ की यात्रा पैदल हुआ करती थी और इस मार्ग के मध्य में पड़ने वाले अनंतनाग हिंदू धर्म में पूजनीय स्थान है। पहलगाम, इस मार्ग के मध्य में अनंतनाग है जो कि हिंदू धर्म में पूजनीय स्थान है। अमरनाथ यात्रा के लिए यात्री बस या मोटर द्वारा पहलगाम आते हैं। पहलगाम श्रीनगर से 56 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए यात्री श्रीनगर से पहलगाम आते हैं। श्रीनगर से पहलगाम की कुल दूरी है 56 किलोमीटर और ये समुद्र तल से 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, पहलगाम बेहद ही खूबसूरत स्थान है और यहाँ पर बहने वाली लिडर नदी इसकी खूबसूरती में चार चार लगा देती है। पहलगाम चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इस स्थान पर अधिक ठंड भी पड़ती है। पहलगाम अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। लिडर नदी पहलगाम की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। पहलगाम में चारों ओर ऊंचे पर्वत हैं, इसलिए यहाँ पर सर्दी भी अधिक पड़ती है। यात्री पहलगाम में यात्रा अधिकारी द्वारा अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। यात्रियों के लिए पहलगाम में ठहरने, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। कुछ यात्री तंबुओं में भी ठहरते हैं। यहाँ से अमरनाथ पवित्र गुफा की दूरी 28 मील अर्थात 46 किलोमीटर के करीब है। ये मार्ग पैदल, घोड़े या पालकी से पार करना पड़ता है। हिम प्रदेशीय यात्रा में अमरनाथ की यात्रा सुगम और सबसे छोटी है। इस यात्रा के लिए किसी प्रकार की विशेष तैयारी और व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। जाड़े के मौसम में पहनने के लिए ऊनी कपड़े, हाथ पांव ढकने के लिए जुराब दस्ताने, ऊनी टोपी, गुलबंद, एक छड़ी, एक कंबल, कुछ खटाई, आलू बुखारे, बरसाती, टॉर्च साथ में ले लें। आप अपनी जरूरत का सामान पहलगाम में भी खरीद सकते हैं। यात्री पहलगाम में यात्रा अधिकारी द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। पहलगाम में यात्रियों के लिए खाने और ठहरने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। कुछ यात्री यहां पर तंबुओं में भी ठहरते हैं। दोस्तों, पहलगाम से अमरनाथ की पवित्र गुफा की कुल दूरी है 28 मील यानी करीब 46 या 47 किलोमीटर और यहां से अमरनाथ की गुफा तक जाया जा सकता है पैदल या फिर घोड़ा पालकी के द्वारा। ये यात्रा का पहला चरण है। यहाँ जम्मू कश्मीर टूरिस्ट विभाग द्वारा रहने का प्रबंध है।
भोजन आदि का सारा सामान यहाँ प्राप्त हो जाता है। लिडर नदी के किनारे किनारे मार्ग जाता है। इसके बाद जोजीबल नाम के चारागाह से यात्रा मार्ग गुजरता है और आगे शेषनाग की ओर पड़ता है। सारे मार्ग पर बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं निशुल्क भंडारे व ठहरने की व्यवस्था करती हैं। पिस्सू घाटी। एक बार भगवान शिव माँ पार्वती के साथ बैठे हुए थे। उनके दर्शन के लिए देवता और दानव बड़े ही आनंद के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। इसी बीच उनमें ईर्ष्यापन हो गई और लड़ाई झगड़ा होने लगा कि पहले मैं चढ़ूंगा पहले मैं। दानव देवताओं पर भारी पड़ने लगे। तब देवताओं ने भगवान शिव के चरणों का स्मरण किया और दानवों को मार गिराया। जिस जगह देवताओं ने दानवों को मारा उस जगह एक बड़ा सा ढेर उत्पन्न हो गया और उस ढेर का नाम पेशन पर्वत पड़ा। एक समय भगवान शिव पार्वती के साथ बैठे हुए थे। उसी समय देव और दानव महादेव जी के दर्शन को आए और आनंद से पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों आपस में ईर्ष्या करने लगे, पहले मैं चढ़ूंगा, और आपस में युद्ध करने लगे। दानवों से भयभीत देवों ने शिव चरणों का स्मरण किया और दानवों को मार भगाया। जहां देवताओं ने राक्षसों को मार भगाया वहां एक बहुत बड़ा ढेर हो गया। ये पर्वत पेशण नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये शिव भक्तों का उद्धार तथा पाप रूपी राक्षसों को नष्ट करता है। कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा गंगा सागर के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है वो फल इस पर्वत के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्री पशिती कंठ मंत्र का जाप करता हुआ पर्वत पर चढ़ता है वो ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है। इस पर्वत के दर्शन से भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शोकनी आदि समस्त भय नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस घाटी को नमस्कार करता है वो मुक्त हो जाता है। पूर्ण मंत्र श्री 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 शीति कंठेश। यात्रा के पड़ाव विष्णु टॉप पर है जो कि चंद्रवाड़ी से 3 किलोमीटर ऊपर है। ये सबसे ऊंची घाटी है। 1995 से पहले यहाँ पर ना पानी था ना कुछ खाने पीने का था। तब ये हमारे मन में प्रेरणा जागी थी कि इस जगह पर भंडारा होना चाहिए, जबकि नीचे चंद्रवाड़ी पहलगाम बहुत भंडारे होते हैं। विष्णु टॉप पर कुछ भी नहीं था तो 1995 में हमने पहली बार यहाँ भंडारा लगाया था। तो हमें भी ये नहीं ध्यान था कि यहाँ पर पानी की बहुत समस्या होगी। जैसे हमने यहाँ भंडारा लगाया तो यहाँ के 3 किलो पर दूर से हमने पाइप के थ्रू पानी लाते हैं। 1995 से हम सरकार को लिखते आ रहे हैं कि यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत है, टॉयलेट की लेडीज के लिए बहुत दिक्कत है, बिजली की बहुत दिक्कत है, पर अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की। तो सरकार ने अगर बंदीगंज व्यवस्था अच्छी करी है, भंडारे वालों को परमिशन देने की व्यवस्था करी है और भी सुविधा दी है तो इस पटाव पर पानी की, बिजली की और लेडीज टॉयलेट की बहुत दिक्कत है। इसकी व्यवस्था प्रबंध कराया जाना चाहिए ताकि यात्रियों को यहाँ थोड़ी बहुत सुविधा बना और भी ज़्यादा सुविधा मिलेगी। और यहाँ घोड़े वालों की तो अब थोड़ा कुछ ठीक हुआ है, लेकिन यात्रियों की एक ही परेशानी है कि ये जो पंजीकरण है वो खत्म किया जाए। अभी सरकार को पता है कि 2 लाख यात्री आते हैं, फिर 75,000 पंजीकरण का क्या मतलब। पिछले साल भी 1.5 लाख यात्री थे और इस साल भी 2 लाख से ऊपर यात्री होंगे। इसलिए मेरी सरकार से बेनती है कि ये पंजीकरण नाम की चीज़ खत्म कर दी जाए ताकि जितने ज़्यादा भोले बाबा के यात्री दर्शन के अभिलाषी है वो सारे ज़्यादा यात्री अपना दर्शन कर सके। शेषनाग।
ये चंदनवाड़ी से 13 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 11,730 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ डाक बंगला भी है। यहाँ झील के निर्मल जल में स्नान करके रास्ते की सारी थकावट दूर हो जाती है। यहाँ स्नान करने से गंगा स्नान के समान ही फल प्राप्त होता है। बंगले में यात्रियों की भीड़ होने पर तंबू लगाकर ही ठहरना पड़ता है। तंबू टूरिज्म विभाग द्वारा उपलब्ध हैं। झील के किनारे बाबजन का मैदान रहने के लिए सुंदर स्थान है। शेषनाग झील का सौंदर्य भी अद्भुत है। कहते हैं शेषनाग की झील में सच्चे मन से शेषनाग का ध्यान करने और एक टक झील देखने से शेषनाग की आकृति सामने नजर आती है। मनुष्य यहां पर आकर महासुख आनंद में मग्न हो जाता है, अतः इसे स्वाश्रम भी कहते हैं।
तथा नागराज और शेषनाग भी। शेषनाग की कृपा से देवताओं ने सुख पाया था। क्योंकि यहां देवताओं को दुख देने वाले वायु रूपी राक्षस का शेषनाग ने पान किया था। यात्री इसके दर्शन स्नान करने से सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यहां जप, होम, तर्पण, स्वाध्याय, स्तुति तथा प्रार्थना करने से मनुष्य सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। इसके स्मरण मात्र से पुण्यों की प्राप्ति होती है। वायु वर्जन तीर्थ। जब देवताओं ने राक्षसों को मारा तब प्रणतथ नाम का दैत्य वायु में मिलकर मुनि और देवताओं को दुख देने लगा। मुनि और देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान शिव प्रसन्नचित्त से बोले, मैंने आप लोगों का दुख सुन लिया है। आप यहां कुटिया बनाकर सुखपूर्वक रहो। पत्थरों की मढ़िया बनाकर वायु को रोक दो। इस प्रकार वहां मुनि देवता पत्थर की कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार राक्षस ने अपना पुनः उग्र रूप दिखाया। तब देवराज इंद्र ने उसे वज्र से मार दिया। तब से इस क्षेत्र का नाम वायु वर्जन तीर्थ हो गया।